यहाँ पे गणपति जी पधार चुके हैं और बच्चों में गणपति जी बनाने का एक्साइटमेंट ही कुछ और है। तो आज हम बनाएंगे आटे से गणपति। ये गणपति जी बच्चे बना सकते हैं और अगर आपकी सोसाइटी में थाली डेकोरेशन की कंपटीशन भी हो रही है तो आप ये गणपति का थीम लेके ये उसे अपने थाली डेकोरेशन में भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए हम गूंदेंगे जो रेगुलर रोटी का आटा है वही गूंदेंगे और उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करके एक में कंकु जो रोली बोलते हैं उससे कलर कर देंगे और एक में हल्दी से कलर कर देंगे। तो उससे हमारे कलर्स भी केमिकल रहे, केमिकल फ्री, इको फ्रेंडली कलर्स हो जाएंगे। और सबसे पॉजिटिव बात ये है कि ये गणपति जी को विसर्जित करते हैं जब हम तालाब में या किसी नदी में, तो मछलियों को भी अन्न मिल जाएगा क्योंकि ये आटे से बना है। और हमारे कन्वीनियंसी के लिए मैंने आटे को डिवाइड कर दिया है। ये रहेगी गणपति जी की बॉडी, ये उनके दो हाथ, ये एक सूंड, दो कान और ये दो पांव। गणपति जी की बॉडी, उनका फेस, उनके पांव, ये बनेंगे गणपति जी के हैंड। और ये बनेगा गणपति का हैंड। इस हाथ में हम गणपति जी को लड्डू पकड़ाएंगे तो इसकी पोजीशन रहेगी ये वाली। पीछे से थोड़ा सेट कर देंगे और ये हाथ से गणपति जी देंगे आशीर्वाद। और ये बनेंगे गणपति जी के कान। और ये बनेगी गणपति जी के सूंड। ये उनकी आंखें ये उनका मुकुट और ये हाथ में उनको मोदक देंगे।
और ये बन गया आपका गणपति जी उनके लड्डुओं के साथ।